थायराइड के लिए, कपाल भाती, उज्जाई, फिर हो सके तो सिंहासन, फिर सर्वांगासन, हलासन, ये भी अच्छा है। नहीं तो फिर ऐसी गर्दन को ऐसे घुमा लेना, ऐसे टाइट करके ना, ऐसे 10-20 बार, इसी से पूरी एक्सरसाइज हो जाती है थायराइड पर, थायराइड के ऐसे ऐसे, इससे थायराइड अच्छा हो जाता है। ये पॉइंट है थायराइड का, ऐसे है ना, ये पॉइंट बताते हैं थायराइड का पॉइंट है। पहले दूसरी उंगली के नीचे यहाँ आँख का पॉइंट है। आंवला एलोवेरा जूस रोज पियो, सर्वांगासन या हलासन करो, शीर्षासन करो, शीर्षासन और सर्वांगासन करो, आंवला का प्रयोग करो जितना हो, अधिकतम हरी सब्जियां ज़्यादा खाओ, सुबह उठ के ठंडे पानी से आँखें धो, दृष्टि आई ड्रॉप डालो, यहाँ से दबाओ, अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़्यादा करो, आँखों की कैटरैक, ग्लूकोमा से लेकर के आँखों का चश्मा, नज़र की कमजोरी सारी दूर हो जाती है। ये आँख का पॉइंट है दोनों हाथों में, पहली और दूसरी उंगली के नीचे यहाँ गड्ढा है ना, दो हड्डियाँ यहाँ उठी है ना, इनके बीच में जो खाली जगह है, यहाँ बीच में फेफड़े का पॉइंट है, लास्ट में कान का पॉइंट है, उसके नीचे हार्ट का पॉइंट है, उसके नीचे डायबिटीज शुगर का पॉइंट है, हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट है, यहाँ थायराइड का पॉइंट है, यहाँ अंगूठी के नीचे, ये थायराइड, थायराइड क्यों हो जाता है। फिर यहाँ ये पेट का पॉइंट है, फिर इधर ये दर्दों के पॉइंट है, हाथ में, कंधों में। अभी कल परसों मेरे पास एक आदमी आया, बोले जी मेरे को क्या टेनिस एल्बो हो गया, मैं तो टेनिस भी नहीं खेलता, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ से दबा दो, एकदम एक मिनट में ठीक करते हैं पूज्य आचार्य जी ने, और हमने बहुत लोगों को ठीक किया ऐसे हैं, ये ऐसे ज़बरदस्त दर्दों के लिए, या बवासीर के लिए, या इनफर्टिलिटी के लिए, बहुत सारे पॉइंट हैं। खैर ये एक्यूप्रेशर भी हम बताते हैं आपको। तो मैं कह रहा था जो है थायराइड के लिए आपको बता दिया, और हाँ त्रिकुटा और उसमें गोदंती डाल के ले लो, बस त्रिकुटा, गोदंती या प्रवाल आधा आधा ग्राम, त्रिकुटा और बहेड़ा, त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा भी 20 ग्राम ले लो, और उसको शहद से चाट लो, थायराइड क्योर, क्योर बात कर रहा हूँ।